नमस्कार, नवरात्रि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन है। माँ सिद्धिदात्री अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है और आज माँ सिद्धिदात्री के दिन आपको माँ की महिमा बताएंगे और बाद में बताएंगे माँ सिद्धिदात्री को कैसे प्रसन्न किया जाता है। तो सबसे पहले आप सिद्धिदात्री देवी की यह महिमा सुनिए। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है, कमल पुष्प पर भी विराजमान होती हैं। दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे। माँ की कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नौवे दिन माँ की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की महिमा तो आपने जान ली है। अब आपको बताते हैं सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना है तो कैसे करना चाहिए, साथ में किस चीज का भोग लगाना चाहिए जो देवी माँ को पसंद है। साथ में आपको वो मंत्र बताएंगे जिसका जप करने से सिद्धिदात्री माता प्रसन्न हो जाएंगी। चलिए जानते हैं। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्व साधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि के नवमी दिन माँ का जप करना चाहिए। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को रंगों में लाल और पीला रंग बेहद पसंद है। बात अगर उनके पसंदीदा भोग की करें तो उनका मनपसंद भोग नारियल की खीर, नैवेद्य और पंचामृत है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए वह मंत्र है, हीम क्लीम एम सिद्धाय नमः। नवरात्रि विशेष में प्रत्येक दिन प्रत्येक देवी की महिमा के बारे में जाना है और आज सिद्धिदात्री देवी का दिन था। उनकी कथा जाने, साथ ही जाना उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। देखते रहिए पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।